दोस्तों, मैं बिंदिया आज बनाने वाली हूँ व्हाइट ग्रेवी वाला पनीर। आप भी हैरान होंगे कि व्हाइट ग्रेवी ये बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है सिर्फ दो बड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करते हैं, जिसके लिए चाहिए हमें पनीर जो हमने क्यू फॉर्म में काटा हुआ है, 4 प्याज जिसकी हमने प्यूरी कर रखी है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अमूल की क्रीम, गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता, सफ़ेद मिर्च पाउडर, अगर सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, काजू की प्यूरी, ये मैंने 10 से 12 काजू को दूध के अंदर उबाल कर इसकी प्यूरी कर रही है, 1 बड़ा चम्मच किशमिश, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद इसमें हम अपना प्याज की प्यूरी डालेंगे। हमें प्याज को धीमी आंच पर भूनना है, हमें इसे ब्राउन कलर नहीं करना, सिर्फ अच्छी तरीके से भूनना है और साथ साथ चलाते रहना है। देखिए हमारा प्याज अब ट्रांसलूसेंट हो चुका है, हमने इसे ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर हम अपनी काजू की पेस्ट को डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी काजू की पेस्ट और प्याज भून चुका है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम अपनी सौगी डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये ग्रेवी एक साथ कितनी अच्छी लग रही है और ये सारी कढ़ाई की साइड्स को अपने आप छोड़ रही है। इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। अब डालिए अमूल की क्रीम, अगर आपके पास अमूल की क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज कर सकते हैं। ये हमने डाला है 1/2 कप अमूल की क्रीम। इसमें डालेंगे अपना पनीर। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिम पे ढक के रख देंगे। देखिए हमारा पनीर बनके तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। दोस्तों हमारा व्हाइट ग्रेवी वाला पनीर बनके तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ट्राई करके कि ये कैसा बना। होप यू लाइक इट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।